कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रार आपका स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल दिया था कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है और उनमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चों का ये सवाल है कि अगर रजिस्ट्रेशन से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है तो क्या एग्जिट एग्जाम नहीं होगा? और जो कुछ बच्चे नए एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी पूछ रहे हैं कि क्या एग्जिट एग्जाम अब नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट अब हो रहा है। तो जैसा मैं समझ रहा हूँ और मेरा विवेक कहता है कि बहुत हद तक ये संभव है कि अभी 3 साल तक आपको एग्जिट एग्जाम के बारे में नया कोई भी नोटिस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीसीआई की अभी तक कमेटी नहीं बन पाई है, पैनल लिस्ट अभी तक लाइव है, अभी तक एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं और कॉलेज भी बहुत सारे खुले हैं। चूंकि एग्जिट एग्जाम शुरू से ही विवादित रहा है, इसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट का कहना है कि हम केवल एग्जिट एग्जाम क्यों दें, बैचलर वाले को भी देना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए लेटर भी लिखा है बहुत सारा, प्रधानमंत्री को, पीसीए प्रेसिडेंट को, और बहुत सारे लेटर लिखे गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक दबाव है पीसीआई के ऊपर में कि एग्जिट एग्जाम में या तो संशोधन होगा या तो सबके लिए लागू होगा, बैचलर के लिए भी लागू होगा और डिप्लोमा के लिए भी लागू होगा, या फिर ये नहीं होगा जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत लेट हो चुका है। और रही बात की जो अधिकार दिया गया है स्टेट काउंसिल को, रजिस्ट्रार को, कि वे स्क्रीनिंग टेस्ट ले सकते हैं, वो शायद इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनको ये जानना होता है कि जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है उसका मार्कशीट फर्जी तो नहीं है, क्या उसने गलत तरीके से मार्कशीट तो हासिल नहीं किया है। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट से अगर बोला जाए कि आप ये बताइए कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, और वो अगर नहीं लिख पाया और वो उसका जवाब नहीं दे पाया, अगर स्टूडेंट से पूछा गया कि आपने ट्रेनिंग किस हॉस्पिटल से की, किसके अंदर की, और वो उसका जवाब नहीं दे पाया, अगर स्टूडेंट से पूछा गया कि पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है और वो स्टूडेंट नहीं बता पा रहा है, अगर स्टूडेंट से पूछा गया कि फार्मेसी एक्ट कब लागू किया गया तो अगर वो उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और तब जाकर के रजिस्ट्रार उसकी फिर से वेरिफिकेशन करते हैं कि इसने सही से डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त किया है या नहीं। तो मेरे ख्याल से एग्जिट एग्जाम के बारे में अभी लेट है, अभी कम से कम 3 साल समय और लग सकता है, या हो सकता है कि इसमें संशोधन हो और इसमें डिप्लोमा और बैचलर दोनों के लिए एग्जिट एग्जाम लागू किया जाए भविष्य में, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन अभी जो जिस तरह से आसाम में उस तरह से अभी यूपी में, झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, सब जगह रजिस्ट्रेशन से पहले जो स्क्रीनिंग लिया जा रहा है, यह एक इशारा करता है कि एग्जिट एग्जाम में अभी लेट है। और अगर एग्जिट एग्जाम होता भी है तो वो सभी लोगों के लिए होगा, बैचलर के लिए भी होगा और डिप्लोमा के लिए भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें अभी 3 साल समय है। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे।